इंडिया आज तक आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही गोवंश की सुरक्षा को लेकर गंभीर दिखाई पड़ रही हो और गौ हत्या बंद करने का दावा कर रही हो, किंतु इस पर अभी भी पूरी तरफ से लगाम नहीं लग पाई है। कुछ ऐसा ही मामला आज अमेठी जनपद की तिलोई तहसील के सिजनी गांव में देखने को मिला, जिसका रायबरेली जिला का थाना महराजगंज तथा राजस्व गाँव तिलोई जनपद अमेठी में आता है, जहां पर लगभग 13 गायों को काटकर पिकअप में भरकर ले जाया जा रहा था, तभी पिकअप कच्चे रास्ते में फंस गई और वे निकल ना सकी, जिसकी सूचना सीजनी ग्राम प्रधान द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस आनन फानन में पहुंचकर जेसीबी बुलवाकर उसने लगी गायों को गड्ढे खुदवाकर दबाने में जुट गई। स्थानीय लोगों में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना हो सके, परंतु किसी मत है वहां पर स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए और मामले को बढ़ता देख पुलिस ने मामला पंजीकृत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का राह गलापने लगी। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद। कहाँ रहने वाले हैं? यही सजनी ग्राम सभा के। ये यहाँ पर गाय के मांस मिले हैं, कैसे पता चला आपको? सर, यहाँ जो आए लोग तो देखते हैं, उन्होंने सुबह 6 बजे तो उन्होंने पुलिस इन्फॉर्म किया जी, फिर पुलिस आई। लगभग कितने गौ मांस काटे गए हैं? लगभग 12-13 के आसपास। 12-13 के आसपास। इससे पहले भी काटे गए थे क्या? हाँ, लोग बात कहा करते थे, मतलब यहाँ अवैध काम होता है। अच्छा, कानून देख के। अच्छा, कोई कार्रवाई हो रही नहीं अभी? हाँ, पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन जुटी है। कौन काटा है इस बारे में अभी पता नहीं चला, किसी का भी चोट नहीं मिला। ठीक। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ऋषि सिंह है, मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या क्या घटना हुई है यहाँ पर? घटना लगातार कई वर्षों से होती आ रही है। हमारे गांव के बगल में खैराना गांव है जी, वहीं के बंजारा हैं कुछ जी, वो लगातार इसी घटना को अंजाम देते आ रहे हैं। जबकि जी, इसका जो मुख्य मतलब गिरोह जो चलवाता है जी, उसके ऊपर आज तक प्रशासन ने कभी जो है खींचातानी नहीं की। अच्छा। उसको कोई दिक्कत नहीं होती, वो अपना सेटिंग करके निकल के चला आता है। लेकिन इस बार श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना महाराज में बहुत बड़ा धरना देगी, और जब तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम लोग इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। कितने पशु काटे गए हैं यहाँ पे? करीब 12-13 पशु काटे गए। ठीक। इसके आगे की रणनीति क्या है आप लोग? इसकी आगे की रणनीति है, अगर प्रशासन 24 घंटे के अंदर अपनी पूरी कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग महाराज में काफी बड़ा धरना देंगे। अगर वहाँ से भी हमको जो है न्याय नहीं मिलता है तो हम जिले स्तर पे जाकर बहुत बड़ा धरना देने का काम करेंगे। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम देवेंद्र बहादुर सिंह है, मेरा घर दुसोती है जी। मैं सेना से रिटायर अधिकारी हूँ जी। सुबह में मानी वहाँ के लिए गया था। क्या मामला हुआ है यहाँ सर? मामला ये हुआ, पहले मैं बताता हूँ, मैं सुबह मानी वहाँ के लिए गया था तो जैसे मैं संघ से जुड़ा हूँ जी, और लोगों समाज सेवा भी करता हूँ, लोगों से जुड़ा हूँ जी, तो मुझे किसी ने 4:30 बजे फोन किया, भैया यहाँ गोवंश जो है जी, ऐसा गाड़ी एट की लोग निकाल रहे हैं, आप जल्दी आ जाइए जी। मैं फटाफट गाड़ी लेकर पहुँचा, तब तक वो लोग भाग चुके थे जी। तो मैं एसओ महाराजगंज साहब को बात किया कि अपनी फोर्स भेजिए, और साथ में 100 नंबर पे डायल किया, उन्होंने अपनी पूरी फोर्स भेजी और इन लोगों ने अच्छा से कोऑपरेट किया जी। इनके साथ अभी तक हम साथ में थे, और आप जो पत्रकार बंधु हैं वो भी अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। और अभी तक कोई पता चला, कोई पकड़ा गया क्या? नहीं नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया, वो लोग भाग चुके हैं। हमको पहले भी सूचना यहाँ थी कि ये यहाँ पे होता रहता है। अच्छा। हमने लोगों को फोन किया था, नंबर दिया था लोगों से कि जब कभी घटना होती रात को 12 बजे आप बताए, हम तुरंत पहुँचेंगे। तो इसी कारण जो अभी कोई जो गाँव के ग्रामीण के लोग टट्टी पिशाब गए थे जी, तो उनको पता चला तो फोन किया, तो हम तुरंत भाग के पहुँचे। अब लोग डर के मारे